क्योंकि कल जैसा आपने देखा था बारिश आई है खूब, तो आज हमारा मौसम अच्छा है तो हम मस्ती कर रहे हैं। तो वो देखो विशाल और सज्जा भैया आगे जा रहे हैं, वो दोनों जा रहे हैं आगे, हम पीछे पीछे थोड़ी मस्ती करते हुए, ये साथ में हमारे डल लेक, और हम आज थोड़ी सैर कर रहे हैं, है ना, थोड़ा चीजें घर की लेने आए हैं, है आरू, क्योंकि आज हम स्पेशल क्या बनाने वाले हैं आरू? दादी के हाथ की खीर। आज बनने वाली है हाउस बोट पर दादी के हाथ की खीर। यस, तो आज बनेगी खीर जो मैं खाता ही नहीं। सबके लिए बनेगी आज, चाचू के लिए, चाची के लिए, दीदी भैया सबके लिए। तो आज हम उसके लिए थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं और थोड़ा सा अटरम शटरम खाने भी जा रहे हैं, है ना आरू? तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वो देखो हमसे कितनी आगे जा चुके हैं। अरे रुक जाओ डैडू। डैडू और सज्जा भैया दोनों कितना आगे जा चुके हैं। हाँ बाप। ये दोनों आगे हो रही है इनकी मस्ती, आज मौसम अच्छा है तो फुल मस्ती हो रही है। और वो प्रैंक बहुत गंदा था, हम सबको रुला दिया इस लड़के ने, गंदे बच्चे ने, तीनों रोए हम बैठ के। और हमें रुला दिया, मम्मा डैड को लग रहा है बुलाते बुलाते नीचे गिर गया। हाँ तो हमें डर नहीं लगेगा गलत बात करोगे तो, है? चलो छोड़ो ये बात। और अभी हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, बता कहाँ आए हैं हम? वहीं पे जहाँ पे हम हमेशा आते हैं खाने के लिए। कहाँ, नाम बता, भूल गया? यस, हम ले डिलाइस पर आए हैं कुछ अटरम शटरम खाने के लिए। पहले खाएंगे फिर शॉपिंग करेंगे, है ना आरू? काम दूजा। यस, तो चलो पहले करते हैं गाइस, हम रोड क्रॉस, वो रहा हमारा शॉप जहाँ हमें जाना है कैफे में। ओ बस आ गई, ये रहा कैफे। चल थैंक यू। तो चलो हमारी रोड क्रॉस हो गई है और हम यहाँ आ गए अपने कैफे में, हमारे ठिकाने पर। अरे पहले दूध ले रहे हो? हम तो कैफे पे बोल रहे थे कि हम कैफे पे पहुंच गए हैं आरू। तो चलो पहले दूध ले रहे हैं, खीर के लिए सामान ले लेते हैं पहले। चिप्स तो पड़े हैं बेटा, अभी चूज कर लो जो लेना है आपको, फिर जो खाना है यहाँ पर। ये लोग फिर डब्बे वाला ही रखते होंगे। तो गाइस हमें इधर नहीं मिला है दूध, तो पहले हम चलते हैं कैफे पे, फिर हम लेंगे कुछ और। चलो सब देखो, सरदार अंकल यहाँ पे बैठ गए, क्या ऑर्डर करा खाने के लिए? अभी यहाँ पे बैठ के खाने के लिए रेड वेलवेट, और मैंने करा रोचर बॉल, और हम दोनों ने क्या करा लंच के लिए ऑर्डर चिकन फ्राइड राइस, दो प्लेट छोले मसाले, मम्मा डैड और दादी, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट। और ये देखो बाहर का यहाँ से व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हाउस बोट्स पे हाउस बोट, डल लेक पे डल लेक, और देखो ये स्कूटर, स्कूटर वाले ऑटो।
ऑटो वाला, ये एक और ऑटो वाला, ये वैन वाले देखो, और इधर मम्मा डैड ऑर्डर कर रहे हैं, देखो ऑर्डर ऑर्डर। और हम वहीं पे आ गए वापस से जो हमने दिखाया था लेट डिलाइस, और ये रॉचर बॉल भी आ गई है, फेवरेट हो गया, डैड का भी फेवरेट है। और मम्मा पीछे पता नहीं अपने लिए भी क्या ले रही है, आई डोंट नो, बट या दिस इज रॉचर बॉल, सो मैं खाता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। हम लोग फिर से उसी जगह उसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं, क्या नज़ारा है, क्या वो है, देखिए विंडो पे बैठे हैं, इट्स जस्ट लाइक ऐसा फील होता है जैसे यूरोप में कहीं बैठे हैं और कर रहे हैं, तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो आर्यन सज्जाद कैसा लगा, ये टेस्टी है, बेकरी पास है ये, और आर्यन आप बताओ, बहुत रमी है, अच्छा लग रहा है, चलो बहुत रश है देखो इसमें भी, बेकरी में भी, और इधर से बैठ के बाहर के नज़ारे लेते हैं, मज़ा ही आ जाता है यार अलग। गाइस ये देखो विशाल ने मंगवाई है अपने लिए कॉफी, कॉफी कॉफी लवर, यस कॉफी पी रहे हैं। मेरा तो ये रहा मार्बल केक, मार्बल चॉकलेट केक। चलो अब विशाल टेस्ट कर रहे हैं, बताएंगे कैसा है ये मार्बल चॉकलेट केक। अच्छा हाँ उन्होंने बोला ये अच्छा, इनका कह रहे हैं ये बहुत सबसे ज्यादा सेल आउट होता है ये वाला। तो गाइस हम पहले खाते हैं, आने खा रहे हैं हम खा के, कॉफी सुपर यार। तो चलो गाइस हम खा के फिर मिलते हैं, और आप बाहर स्टारबक्स एंड ऑल। अच्छा और हमारा बाहर का नज़ारा देखो कितना सही लग रहा है, यहाँ हम खा रहे हैं और साथ में बाहर डल लेक। गाइस हमारा डल लेक का नज़ारा तो देखो आप, कितना सही लग रहा है ना, कसम से बहुत ही अच्छा। गाइस हमारा कॉफ़ी वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया, बस आर्यन बचा है वो खा रहे हैं और हमारा खाना हो रहा है पैक, तो हम अभी उसकी वेट कर रहे हैं और तब तक हम बाहर का एंजॉय कर रहे हैं। देखो गाइस ये सारे लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, ये तीनों गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, सामान पैक हो रहा है सबका, अब एवरीवन इज़ गोइंग फॉर ट्रैकिंग। देखो यहाँ देखो ट्रैवलर में सामान बन रहा है, मौसम अच्छा हो गया ना तो सब ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पर, सोनमर्ग में होती है यहाँ पे ट्रैकिंग। गाइस हमने खूब सारी शॉपिंग कर ली है, वो खाना आगे ले लिया है, मैंने ये ले लिया है, हमने चिकन फ्राइड राइस ले लिया, यस तो अभी हमने पैक करा लिए, तो अब हम जा रहे हैं फुलके लेने के लिए, टू फुलके ले लिए लेने जा रहे हैं, और दूध वगैरह खीर के लिए लेने जा रहे हैं। सो गाइस देखो अभी हम जा रहे हैं आगे वॉक करते हुए अपने लिए बाकी का बचा हुआ सामान लेने, जो हम लेने आए थे मेन खीर का सामान, दूध लेने वो ले ले, फिर हम जाएंगे अपनी हाउस बोट पर। गाइस देखो यहाँ पे भी है दिल्ली दी रसोई रेस्टोर, प्योर वेज, प्योर वेज, यस प्योर वेज, यस दिल्ली, हाँ प्योर वेज। चलो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं अच्छी अच्छी खाने पीने की, कितना आगे चले गए हैं हम लोग, रह गए पीछे, हम व्लॉग बनाते हुए आराम आराम से चल रहे हैं ना, देखो स्वेटर्स वगैरह मेला लगा हुआ है, हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की है। गाइस दिल्ली पहुँच के आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या खरीदा है, बहुत कुछ खरीदा है ना। गाइस हमने रोटी पैक करा ली है, फुलके पैक हो गए हैं हमारे, और अब हम जा रहे हैं अपनी रो बोट की तरफ। हमने सोचा गाइस कि हम दूध बाद में ले लेंगे, अभी गरम गरम खा लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं गरम गरम, फिर हम दूध लेने फिर से आएंगे, ठीक है ना।
यस, तो हम एक चलो फिर चलते हैं अभी हम अपनी हाउस बोट की तरफ। तो पहले खाते क्या हो गया, क्या घुस गया तेरे पैरों में? अच्छा तो चलो हम चलते हैं अपनी हाउस बोट पे। आज वेदर अच्छा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठंडा मौसम है, तो आ रहे मजे। देखो आगे तीनों चल रहे हैं हमारे। गाइस आर्यन बैठ गया हमारे पीछे और हम दोनों यहाँ बैठे हैं और ये सजा भैया बैठे हैं और हम जा रहे हैं अब अपनी हाउस बोट की तरफ। और ये देखो डल ले गाइस। सज्जा कहता है जैसे मैं बुलाता है और मकबूल भाई बुलाता है सेम लगता है इसको। उधर कर रहा है, तेरे को क्या लगता है? शुरू से तरीका वही है ना बुलाने का, कैसे बोलता है सज्जा? अच्छा वो भी ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा मकबूल भैया और इनका सेम लगता है। तरीका हो गया ना, इकट्ठे इतने टाइम से रह रहे, जो पहली बार आएगा उसको नहीं होगा, अब तेरे को बोल बोल के आदत हो गया। क्या मस्त हवा चल रहा है ना अब। सुनील भाई, राज भाई सब तेरे को ऐसे ही बुलाते थे। चलो गाइस हम आ गए अपनी हाउस बोट पर। गाड़ी गलत पार्क कर दी है सबने। गाइस यहाँ पार्क करना भी सही तरीके से होता है, तो भैया अभी सही कर रहे हैं हमारी पार्किंग गाड़ी की। ठीक है गाइस, लेकर आ गए हम अपना खाना हाउस बोट पर और चलो अब हम चलते हैं अंदर। को अब यहाँ पे लग गया है हमारा लंच, मैंने सबको सर्व कर दिया है, सब यहाँ खा रहे हैं। ये बेटे विशाल, मम्मी, काना और सज्जा भैया खा रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों नॉन वेज वाले तो इधर बैठे हैं और ये वेज वाले हैं तो इधर बैठे हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के खा रहे हैं। और यस अच्छा, और बाहर हवा बहुत शानदार चल रहा है गाइस, पेड़ इतने अच्छे चल रहे हैं। तो अभी हवा पर्दा हिल रहा है, आपको दिख रहा होगा हवा बहुत तेज चल रही है बाहर, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम आज अच्छा है। पर्दा बहुत तेज हिल रहा है, उससे पता चल रहा है कि आज हवा बहुत शानदार है। तो अभी हम लंच को एंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और आज मौसम में बार बार बोल रही हूँ बहुत मज़ेदार, हमें श्रीनगर की फीलिंग आज आ गई है अच्छी वाली। ला रहे गाइस, मैं जरा इनको थम्स अप दे दूँ पहले। चलो ये देखो गाइस, पर्दे हिल रहे हैं ना, ये हवा देखो कितनी शानदार है पर्दों के हिलने से। देखो कोई फैन नहीं है यहाँ पे, बट पर्दों से पता चल रहा होगा हवा कितनी शानदार है, देखो बहुत मज़ेदार। अब पहले हम दे दें इनको कोल्ड ड्रिंक। चलो ये लो, चलो गाइस ये हमने निकाल ली थम्स अप, इनके लिए रख देते हैं। ला रही हूँ, क्यों ले लेना, नहीं पिएगा पक्का? ले ले नहीं तो भाई। चलो वेलकम। ये देखो मैं अपना खाना लेकर आ गई बाहर, मैंने कहा मैं बाहर बैठ के हवा का मजा लूंगी और खाऊंगी बाहर। और वो देखो विशाल खड़े हैं वहां पर, अपनी थम्स अप एंजॉय कर रहे हैं हवा में। देखो कैसे उड़ रही है इनकी टी शर्ट, हवा इतनी शानदार चल रही है, मजेदार। और ये रहा मेरा खाना, तो अभी मैं खाना खाती हूँ फिर उसके बाद मिलेंगे। गाइस ये देखो मम्मी आज बना रही है किचन में, यहाँ कश्मीर में खीर। ये देखो हमारी बन रही है खीर,
मम्मा यहाँ बैठे और खीर बना रहे आज हीटर पे। भाभी आपने